विदिशा में नवरात्रि के समापन और दशहरे को लेकर शहर में सुबह से ही लोगों में उत्साह का माहौल देखा गया। घरों में सुबह पूजा अर्चना की गई तथा शाम के समय राजपूत समाज और रामलीला मेला समिति ने शहर में जुलूस निकाले। ये जुलूस जैन कॉलेज मैदान पहुंचे। इस दौरान देर रात को जैन कॉलेज मैदान में राम रावण युद्ध के बाद भारी आतिशबाजी के बीच अहंकार के प्रतीक 40 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन किया गया, जिसे देखने के लिए हजारों की संख्या में दर्शक मौजूद रहे। विदिशा जैन कॉलेज मैदान में रावण दहन के लिए प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए थे। शहर में निकले दोनों चल समारोह ढोल धमाकों के साथ जैन कॉलेज मैदान पहुंचे। यहां पर राधोगढ़ और भोपाल के आतिशबाजों ने करीब आधे घंटे तक रंगारंग आतिशबाजी की। इसके बाद राम रावण युद्ध का मंचन हुआ। भगवान राम ने बाण चलाकर रावण के पुतले का दहन किया। आग लगते ही पटाखों की तेज आवाजों के साथ रावण का पुतला मिनटों में खाक हो गया। इस आयोजन में चुनाव के आचार संहिता का भी असर देखा गया। आचार संहिता के चलते जनप्रतिनिधि भी आम नागरिकों की तरह रावण दहन कर देखने पहुंचे।